कष्ट निवारण श्री बालाजी मंदिर बाजार शेखा की ओर से चलाई गई मुहिम हर हर बालाजी घर घर बालाजी के तहत सेंट्रल टाउन स्थित सतपाल गुंबर के निवास स्थान में भव्य चौकी का आयोजन किया गया, जिसमें मंदिर के प्रधान रमन अरोड़ा सहित शेंटी और मुकुल ने श्री बालाजी की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस मौके पर सुनीता गुंबर, अमित गुंबर, मोनिका गुंबर, आंचल गुंबर, माही गुंबर, वंशु गुंबर, रिदिमा गुंबर, समायरा गुंबर, वानिया गुंबर, उमा गुंबर, नीलम गुंबर, मदान परिवार, राम पासवान, मनव अटवाल, मोनी भगत, सूरज, करण अरोड़ा, दीपक, बिमला गुंबर, कृष्णलाल गुंबर, सुषमा गुंबर, बबलू, राकेश जसूजा, गीता अरोड़ा, सरोज जसूजा, पिंकी अरोड़ा, राजेंद्र बोरी, उमा बेरी, निंदी चावला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। श्री गुरु रविदास जी महाराज के 647वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष में श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा मोहल्ला बस्ती दानिशमंदा जालंधर में से 9 फरवरी से 22 फरवरी तक प्रभात फेरियां निकाली जा रही हैं। इसी श्रृंखला में दूसरी प्रभात फेरी मंदिर प्रांगण से निकाली गई, जिसका शुभारंभ रतन ब्रदर्स के मालिक एवं मंदिर प्रबंधक कमेटी के प्रधान मदन लाल किंदर के सुपुत्र विशाल किंदर और अनुराग खिंदर ने विशेष रूप से उपस्थित होकर दीप प्रज्वलित कर किया। ये प्रभात फेरी इलाके की परिक्रमा करते हुए बस्ती दानिशमंदा के शिवाजी नगर स्थित पवन कुमार और सुमन के निवास स्थान पर जाकर संपन्न हुई, जहां पर पारिवारिक सदस्यों में कुलदीप, लक्की घई, राजू, रमन, नितिन, निखिल, रजत, जतिन, प्रथम, जग्गू, मन्नू, दिलीप, सुनीता, पवन और सीमा की ओर से पुष्प वर्षा कर इस प्रभात फेरी का भव्य स्वागत किया गया। इस मौके पर उप प्रधान
राकेश लोच, उपप्रधान प्रदीप कुमार थापा, अनुराग खिंदर, उपचेयरमैन स्वर्ण यादव, सचिव सतपाल पाला, महेश अंगुराल, ओम प्रकाश लोच, तरसेम लाल करलुपिया, मदन लाल वसन, चमन लाल, राजकुमार जसम, रमेश कुमार दीवान चंद, अमरनाथ भंडारी, बलबीर लोच, स्त्री सत्संग सभा की प्रधान दयावंती, सचिव कृष्णा देवी, रानी लोच, उषा लोच, सुमन लोच, राजरानी खिंदर, बेबी डालिया, शोभा मीनिया, सावित्री देवी, कौशल्या बबो, अरुणा लोच सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। Oh!
रविदास महाराज जी के 647वें प्रकाश उत्सव के संबंध में चुप कर जाओ यार एक मिनट। अज श्री गुरु रविदास मंदिर कटरा वाला बस्ती दानसमंदा विचों दूसरी प्रभात फेरी निकाली गई जिसकी अध्यक्षता साढ़े गुरु घर के प्रधान मानजोग मदनलाल खिंदर जी अते पूरी टीम पूरे नगर की परिक्रमा करते हुए अज साढ़े बहुत ही सत्कारयोग आदरणीय श्री पवन कुमार जी सरंगल उन्होंने ग्रह विखे पहुंची है। ये सरंगल फैमिली तुसी जानते हो कि गुरु घर की सेवादार फैमिली है, हमेशा ही पवन जी गुरु घर के हाजरी लगवाते रहते हैं और अज उन्होंने प्रभात फेरी के चरण जोड़े है वो अपने ग्रह विखे पाए हैं और लंगर की व्यवस्था की है। जहाँ छोले और 3300 रुपया अपने सेवा जी है वह भी गुरु घर को सेवा कराई है। सो मैं अज के महाराज जी के जन्मदिन के उपलक्ष में सरंगल परिवार को लख लख बधाई दिना और सतगुरु रविदास महाराज चरणों में अरदास करता बेनती करता सच्चे पातशाह जी इस परिवार से हमेशा मेहर भरे हाथ रखना। इस उपलक्ष्य जो प्रभात फेरी आयोजित किया गया है अब दूसरी प्रभात फेरी साढ़े बेटा पवन जी जो कि अपना इंस्पैक्टर हैं उन्होंने ग्रह में आई है। साढ़े बेटे पवन जी ने सारी जो जितनी प्रभात फेरी आई सारे का बहुत सम्मान किया है और चाह पानी लंगर और जो दूसरा जो इस तरह की हो सके से अपना जो है उन्होंने सेवा की है। तो असं इसी सभा और जग सभा वालों पवन जी और सारे परिवार का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने घर परिवार फिर मिला करके सानू मान जी दिता है। सारे कोटि कोटि धन्यवाद। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर सरोवर तटवासिनी पर स्थित विश्वमुखी मां त्रिपुर मालिनी धाम में साप्ताहिक भजन संध्या करवाई गई जिसमें सबसे पहले मां त्रिपुर मालिनी चालीसा का गुणगान राजकुमार सहगल एंड पार्टी द्वारा किया गया। इसके पश्चात भजन गायक हरविंदर कुकी एंड पार्टी ने मां भगवती के भजनों को गाकर उपस्थित माँ भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। माता की चौकी में मंच संचालन बलदेव आनंद ने किया। इस अवसर पर वरिष्ठ उप प्रधान ललित गुप्ता, कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, पूर्व प्रधान विनोद गुप्ता, फाउंडर मेंबर सुदर्शन ज्योति, सीमा गल्होत्रा, यादव खोसला, रमन शर्मा, सौरभ शर्मा, दविंदर प्रभाकर, भारत भूषण बजाज, जगमोहन सिंह खोसला सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार मात्र बुरमालनी आया। एक तो सच्ची सरकार मात्र बुरमालनी, एक तो सच्ची सरकार मात्र बुरमालनी। कदे मलिया ना ओ नमाए तलिया, तेरिया गली जामाए जिना आने मलिया, फिर कदे मलिया ना ओ नमाए तलिया। ओ पावन तेरा प्यार हो, ओ पावन तेरा प्यार मात्र बुरमालनी तो सच्ची सरकार मात्र बुरमालनी, एक तो सच्ची सरकार मात्र बुरमालनी। सच्चा तेरा दरबार हो, सच्चा तेरा दरबार मात्र बुरमालनी। एक तो सच्ची सरकार मात्र बुरमालनी, एक तो सच्ची सरकार बात बुरमालनी।
ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਾਏ ਰੂਪ ਤੇਰਾ ਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਕਰਦੀ ਸਭ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਸਭ ਤੇ ਉਪਕਾਰ ਮਾਤ ਗੁਰਵਾਲ ਜੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤ ਗੁਰਮਾਲਣੀ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਮਾਤ ਗੁਰਮਾਲਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤ ਗੁਰਮਾਲਣੀ ਇੱਕ ਤੋਂ ਸੱਚੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਤ ਗੁਰਮਾਲਣੀ प्रोमिला गुप्ता अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में विलीन हो गई हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला श्री देवी तालाब मंदिर स्थित श्री राम हॉल जालंधर में संपन्न हुआ। इस मौके पर पंडितों ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय प्रोमिला गुप्ता की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर पूर्व CPS KD भंडारी, रमित दत्ता, अनिल कुमार, मनोज आनंद, करण मीनू, राजन गुप्ता, मौनी जोशी, हैप्पी शर्मा, प्रदीप चड्ढा और पारिवारिक सदस्यों में राजू गुप्ता, रितेश गुप्ता, हार्दिक गुप्ता, पुलकित गुप्ता, हार्षिक वर्मा, प्रणव सहित राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय प्रोमिला गुप्ता को भावभीनी श्रद्धांजलि भेंट की। इसलिए माँ की उपमा केवल माँ है, माँ की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती, माँ का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। अपने स्तनों से जो बच्चे को जीवन प्रदान करती है, दुग्ध देता है। पिता अपने पुत्र को कितना लाड़ प्यार करता है, घोड़ा तक बन जाता है, अपने बच्चे को कंधे पर चढ़ाता है, सारे जीवन की जमा पूंजी, धन दौलत ऐश्वर्य सब कुछ जो अपने बच्चे पर निछावर कर देता है। इसलिए माता पिता का ऋण कभी नहीं चुकाया जा सकता। लेकिन आज कई बार समाज में बड़ी महाराज विकट परिस्थिति हो गई। आज वृद्धाश्रम खुल गए। ये कलयुग का समय, कलयुग का परिचय ही यहां से है कि आज वृद्धाश्रम खुल गए।
एएल धवन अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जा विराजे हैं। उनकी आत्मिक शांति के लिए रस्म उठाला एवं शोक सभा का आयोजन गीता मंदिर मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। इस मौके पर पंडित सोमनाथ पाठक ने श्री गरुण पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय एएल धवन की आत्मिक शांति के लिए प्रार्थना की। इस मौके पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष एवं दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, डायरेक्टर श्रीमती वाणी विज, रिटायर्ड जज एनके सूद, पूर्व सीपीएस केडी भंडारी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, सतपाल बठल्ला, कुलदीप भगत, प्रोफेसर विपन झांझी, राजेश ज्योति, अजय जोशी, अजय चोपड़ा, डॉक्टर सतीश शर्मा, डॉक्टर आतिमा शर्मा, डॉक्टर पवन गुप्ता, अश्वनी शर्मा, दीवान अमित अरोड़ा, बीके जोशी, रजनीश शर्मा, सुरेश लूथरा, सुखदेव लाल, रेखा कालिया भारद्वाज, वीके भारद्वाज, रमेश शर्मा, प्रदीप भंडारी, विपन शर्मा, रमन पब्बी, डॉक्टर सुषमा चावला, कुलवंत शर्मा, विभा शारदा, रविंदर धीर, संदीप नारंग, सुभाष सूद, रवि महेंद्रू और पारिवारिक सदस्यों में पत्नी निर्मला धवन, डॉक्टर अजय सरीन, सीए अशोक सरीन, पुनीत धवन, मीरू धवन सहित राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और व्यापारिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय एएल धवन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए और पारिवारिक सदस्यों के साथ संवेदना प्रकट की। वो अपने आप में एक उनका जीवन जो है एक संपूर्ण जीवन था। अगर हम देखें कि एक सामान्य परिवार में सिमटते हुए उन्होंने अपने जीवन में अपनी कड़ी मेहनत, ईमानदारी, कर्तव्य प्रायणता, कर्मठता और तन्मयता से जीवन की उन ऊंचाइयों को प्राप्त किया जो एक व्यक्ति अपने जीवन में संजोता है। उन्होंने BA LLB की परीक्षा पास की और अपने कार्य क्षेत्र में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसमें भी वो कार्यरत थे, उसमें उन्होंने जोनल मैनेजर के पद से पद पर पहुंचे और एक नई बुलंदी पे अपने कर्मठता के कारण उन्होंने कार्यभार किया। और अगर हम सामाजिक जीवन में देखें तो समाज में चरित्र निर्माण, व्यक्ति निर्माण के कार्य में उनका योगदान सराहनीय रहा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका निभाई और समाज निर्माण में अपना योगदान देना ये उनकी एक विशेषता रही। वर्ष 1990 में रिटायर होने के उपरांत वे लगातार समाज सेवा के कार्यों से जुड़े रहे। अपने परिवार को उन्होंने एक आदर्श पति, आदर्श पिता, आदर्श भाई और सभी रिश्तों को पूर्ण तन्मयता से निभाया और परिवार को उच्च आदर्शों पर चलने के संस्कार, समाज हित में कार्य करने की प्रेरणा, रोजगार की भावना से कूद कूद कर अपने संतान को भर। परिणाम स्वरूप आज उनकी संतान उनके आदर्शों पर चलकर अपने अपने पदों पर समाज कल्याण की अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं और ऐसी आशा है कि सदा ही उनके आदर्शों को जीवित रखेंगे। मैं DAV कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी नई दिल्ली एवं लोकल एडवाइजरी कमेटी तथा HMD की परिवार की तरफ से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना से परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ तथा परमात्मा इस अकस्मात असहनीय दुख सहने की परिवार को शक्ति दे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से, अपने परिवार की ओर से और सभी की ओर से उनको एक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। हम तो कभी भी उनके साथ स्वर्गीय नहीं लगाएंगे, लेकिन क्योंकि उनका जो कार्य था, जो उन्होंने इतना कर्मठ कार्य किया, स्कूल के लिए मेहनत की और आज हम जलंधर में जो जितने स्कूल और प्रांत का कार्यालय हमारा बना हुआ है, ये सब धवन जी की देन है। वो कि जरो मेरे गुजर के चमक छोड़ जाऊंगा, पहचान अपनी दूर तलक न छोड़। बहुत
लंबी पहचान। जिस क्षेत्र से भी गए अमित छाप छाई। जो वेबसाइट के तौर पे देखिए कहते कि बिगनिंग इज ऑलवेज स्मॉल लेकिन एंड शुड बी बिग। LIC दे विच असिस्टेंट दे तौर पे शुरुआत की थी लेकिन जोनल मैनेजर के तौर पे उत्ते नौकरी शुरू कर रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड थके नहीं जीवन। एक आम तौर पे होता बंदा रिटायर करके बंदा घर बैठे घर नहीं बैठी उन्होंने समाज सेवा। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ तो बाल्यकाल में जुड़ी हुई थी तो उन्होंने सेवा का माध्यम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के रूप में ही उन्होंने बनाया। आज असी सारे इतने इकट्ठे हुए हैं इस विशाल हॉल के बीच इतनी बड़ी गिनती के बीच आप सब की शमूलियत इस गल की गवाही भरती है कि श्री अमृत लाल धवन जी सिर्फ साडे मैडम प्रिंसिपल दे वादन नहीं सानू साडे सबले पिता समान सन। बहुत आपको बड़ी ही प्यारी शख्सियत हमेशा मुस्कुराउंदा चेहरा और एक बहुत ही निष्ठावान व्यक्तित्व दे धारनी समाज नूं लगातार अपनियां सेवावां देण वाले और मैं कह सकती हूँ कि उन्होंने शायद अपने आरंभ तों ही अपने मन मस्तक दे विच समर्पण दा दीवा बालिया होया सी। उस दीवे दे सदका उन्होंने सदा अपने आप नूं इस समाज दे कर्मां नाल जोड़ी रख्या और सब तो वध योगदान शायद जिहड़ा मैं एक गल इत्थे बहुत सारियां गल्लां उन्हां दे बारे दे विच तुसीं जाण चुके हो ऑलरेडी जाणदे हो। मैं सिर्फ इह कहना चाहांगी कि उन्होंने महिला सशक्तिकरण के अपना योगदान पाया सचमुच नतमस्तक हाँ जिसकी एक खूबसूरत मिसाल हम साडे अपने प्रिंसिपल मैडम अजय सरीन और अज जो मैं उन्होंने एक बहुत हमेशा मजबूत थम की तरह देखा है लेकिन जो अज उन्होंने अखों में मैं हंजू तरफ तरफ देखते देखे तो मैं लग्या कि अज एक मासूम जी बेटी अपने पिता के नाल किस कदर जुड़ी हुई है। तो मैं याद आया कि कहते हैं कि माँ एक निजी रसोई होंगी है तो पिता एक कवच है। तो उन्होंने इदा का सू मार्गदर्शन किया जिहड़ा वट वृक्ष बीजेपी का बनिया पूरे पंजाब दे विच जिस अकाली साहब ने कहा इहदे विच ऐसे अनेक जिहड़े साडे बजुर्ग सीगे उहनां दा योगदान एक बहुत ही सफल जीवन जी के गए है। जदों भी घरे जाना तो चंगी सेध देनी समाज के भले वास्ते सानू समझाना और जदों स्कूल जाना तो इहनां कोल कला सीगी भी किस तरीके स्कूल का निर्माण करना मैं केशव विद्या निकेतन का निर्माण करना। जो मैं CPS बनया तो मैंने उत्ते बुलाया फंक्शन के उपर इन्ने पैसे लेने हैं मैं सत बजे जी जो कोई भी ना जाता साथी वो को एक इच्छा होंगी सी भी किसी तरीके इतने कमरे बन जाए साडा स्कूल डिवेलप हो जाए।
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक बार फिर से नजर डालिए। अमृतसर के बीआरटीसी सड़क मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार तीन नौजवानों को मारी टक्कर। अमृतसर के सीआईए स्टाफ की टीम ने सात नौजवानों को किया गिरफ्तार। एमपी से नाजायज हथियार लाकर पंजाब में करते थे सप्लाई। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने दो नशा तस्करों को किया काबू, 12 किलो गांजा बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल। नमस्कार।